हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बेक कुक एंड रिलैक्स। तो आज हम बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही क्विक ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाने वाले हैं एंड इट इज़ एक्सट्रीमली हेल्दी। तो हम आज बनाना पैनकेक्स का हेल्दियर वर्जन बनाने जा रहे हैं, दैट इज़ ओट्स बनाना पैनकेक। तो ओट्स बनाना पैनकेक बनाने के लिए हमें चाहिए अराउंड 1 कप ऑफ ओट्स। ये नॉर्मल प्लेन ओट्स हैं बिना किसी फ्लेवर के। सो इसे हम एक पैन पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे इस तरह से। हम थोड़ा लाइट ब्राउन होने तक वेट करेंगे, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होने देना है। लाइट ब्राउन होने पे हम इसे उतार के ठंडा कर लेंगे। ये देखिए, अभी हमारे ओट्स ऑलमोस्ट भुन चुके हैं। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और ओट्स को ठंडा करने के बाद हम इसे मिक्सी में सूखा ही पीस लेंगे। ये ओट्स पीसने के बाद फिर हम एक बनाना लेंगे, उसे मैश करेंगे अच्छे से इस तरह से फोर्क से। जब बनाना हमारा मैश हो जाए उसके बाद हम उसमें हमारा ओट्स का पाउडर डाल देंगे। दिस वॉज अराउंड 1 कप। अब इसमें हम डालेंगे अराउंड 1/2 कप व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा प्लेन, नो मैदा, क्योंकि हम हेल्दियर वर्जन ऑफ पैनकेक्स बनाने वाले हैं तो हम आज इसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं डालेंगे। अब इसमें हम चीनी नहीं बल्कि गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। तो हम डालेंगे अराउंड 2 बड़े चम्मच गुड़, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जैसा पसंद हो। और फिर हम इसमें अराउंड 2 बड़े चम्मच रेजिन्स डाल देंगे, आई प्रेफर ब्लैक रेजिन्स। अब अराउंड 1 टीस्पून बहुत ही थोड़ा सा तेल डालेंगे। नाउ ऐड अराउंड 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। इसके बाद हम थोड़ा सा दही डालेंगे अराउंड 3 टेबलस्पून। क्योंकि हम एगलेस पैनकेक्स बना रहे हैं तो इसमें दही डालना ज़रूरी है। अब इसमें हम डालेंगे अराउंड 1/4 कप ऑफ मिल्क। आप चाहें तो इसमें एक एग ऐड कर सकते हैं अगर आपको विथ एग पसंद है। फिर हम इसमें डालेंगे अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद हमारा सबसे फेवरेट इंग्रेडिएंट वेनिला एसेंस, इसके कुछ ड्रॉप्स डालेंगे हम। वेनिला एसेंस डालने के बाद अराउंड 1 पिंच नमक डालेंगे और फिर अराउंड 1/4 टीस्पून सिनेमन या दालचीनी पाउडर। दालचीनी को पीस के उसका 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर इसमें हम ऐड कर देंगे। गुड़, बनाना और दालचीनी पाउडर, जस्ट इमेजिन, इट्स वेरी फ्लेवरफुल एंड एक्सट्रीमली हेल्दी। अब हम आज इसमें लो फैट बटर का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो घी यूज कर सकते हैं या फिर रेगुलर बटर। अब हम छोटे पोर्शंस में थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे और पैन के ऊपर डालेंगे इस तरह से। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आई थिंक एनीवन कैन मेक इट, जस्ट गिव इट अ ट्राई। और ब्रेकफास्ट के लिए तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। सो नाउ स्प्रेड इट अ लिटिल इस तरह से और फिर हम इसे कुक करने के लिए रख देंगे अराउंड 2 से 3 मिनट के लिए। इसे कवर करके रख देते हैं सो दैट हमारा ओट्स का बैटर अच्छी तरह पक जाए। अब चलिए चेक करते हैं इफ इट इज डन और नॉट। एक स्पैचुला की मदद से इसे फ्लिप कर देंगे, फ्लिप इट ओवर, यस लाइक दिस। एंड नाउ थोड़ा सा बटर इसके ऊपर डालेंगे और नाउ आवर पैनकेक इज ऑलमोस्ट रेडी। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब ये दोनों साइड से अच्छे से पक चुका है।
नाउ लेट्स रिमूव इट इन अ प्लेट। अब मैं फटाफट से आपको एक और पैनकेक बना के दिखा देती हूँ। दिस वे बटर लगाएंगे पैन पे थोड़ा, उसके ऊपर थोड़े पोर्शन में हमारा जो बैटर हमने रेडी किया था वो डालेंगे। वी विल स्प्रेड इट अ लिटिल, देन वी विल कवर इट एंड वेट फॉर इट टू कुक अराउंड 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद जब ऊपर का सरफेस थोड़ा सा ड्राई लगने लगता है तो हम इसे फ्लिप कर देंगे और फिर उस पर थोड़ा सा बटर लगाएंगे। थोड़ी देर कुक होने देंगे एंड वी आर ऑलमोस्ट डन। ये देखिए इस तरह से लवली। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए और आप इसे ब्रेकफास्ट में ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लेट्स सी, आवर पैनकेक्स आर रेडी। अब चलिए इसे थोड़ा डेकोरेट करते हैं। आप चाहें तो फ्रूट्स का या ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ चॉप्ड आलमंड्स लिए हैं, बादाम वो इस पर डाल रही हूँ, थोड़े रेजिन्स। आप बेरीज या बनानास डाल के भी इसे सर्व कर सकते हैं। नाउ हमारे पैनकेक्स की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ हनी या मैपल सिरप। इसके ऊपर हनी स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। लवली, सी आर बनाना ओट्स पैनकेक्स आर रेडी। डू ट्राई इट एट योर एंड और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सारे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप प्लीज़ चेक कर लीजिए एक बार एंड देन जस्ट लेट मी नो इफ यू लाइक्ड इट एंड एन्जॉय द वॉर्म ब्रेकफास्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक द रेसिपीज ऑन माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिए। And Bake, Cook and Relax is also on Instagram or Facebook. Uske links bhi description box mein available hai. You can connect with me over there. Thank you so much.